Subscribe to Matters English channel and press the bell icon for the latest video updations. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैटर्स इंग्लिश। स्वागत करता हूँ मैटर्स इंग्लिश के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। इसका नाम है मैटर्स टॉक्स और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपकी कमेंट्स के बारे में, जो कि आई है कुछ पिछले हफ्ते और कुछ है पुरानी कमेंट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, हो सकता है आपको मेरा नाम इन कमेंट्स में हो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वॉचिंग मैटर्स टॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो बैंड आई वैसे स्वागत करता है आज का वीडियो में पहुंचा पर प्रेजेंटेशन पर, जहां पर आपके सारे कमेंट्स मैंने रखी है। और सबसे पहली कमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पर दुर्गा राम जी की, और ये लिखते हैं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द हिंदी ऑफ दीज टू सेंटेंसेस, आई एम टू कंप्लीट एंड आई हैव टू कंप्लीट। देखिए डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है। जो पहला सेंटेंस है वो बना है वाला है वाले सेंस में, मतलब गोइंग टू, अबाउट टू वाले सेंस में। आई एम टू कंप्लीट इस तरह से भी आप कह सकते हैं, गोइंग टू वाले स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं, I am going to complete मतलब मैं पूरा करने वाला हूँ, I am about to complete मैं पूरा करने वाला हूँ, I am to complete मैं पूरा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस सेंस में, तीनों सेंस में आप बना सकते हैं सेंटेंस को, और सेंस वही निकलेगा कि मैं पूरा करने वाला हूँ। दूसरा जो सेंटेंस है वो है आई हैव टू कंप्लीट, मतलब यहाँ पर कंपल्शन मजबूरी शो हो रही है। तो इस सेंस में आप कहेंगे मुझे पूरा करना पड़ता है, आई हैव टू कंप्लीट, आई हैड टू कंप्लीट मुझे पूरा करना पड़ा, आई विल हैव टू कंप्लीट मुझे पूरा करना पड़ेगा। इस सेंस में आप इसका हिंदी बना सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर कमेंट, थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय इंग्लिश। तो अगला कमेंट करके आता है, वो आता है विकास अधिकारी जी की तरफ से, ये लिखते हैं, यू आर मेकिंग एम्प अप वीडियो डे इन डे आउट सर। थैंक यू विकास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज वेरी नाइस वर्ड एम्प अप। एम्प अप एक तरह से इनफॉर्मल वर्ड है, लेकिन यहाँ पर इन्हें फॉर्मली यूज किया गया है विकास अधिकारी जी के द्वारा। यहाँ पर लिखा गया एम्प अप वीडियो, मतलब एम्प अप का मीन होता है यहाँ पर कि समथिंग इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग या फिर समथिंग इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो वहां पर आप एम्प अप का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर कहा गया एम्प अप वीडियो, आप कह सकते हैं एम्प अप कॉन्टेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं। थैंक यू विकास, होप यू आर एंजॉइंग मैड इंग्लिश अ लॉट, थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ मैड इंग्लिश। तो अगला कमेंट करके आता है, वो आता है विमला सिंह यादव की तरफ से, ये लिखती है, मैं करता तो हूं, आई डू डू। बिल्कुल सही आपने बना है, इसका इंफेटिक इसी तरह से बनेगा, आई डू डू, थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई इंग्लिश। तो अगला कमेंट करके आया हुआ है मुकेश प्रधान जी की तरफ से, ये लिखते हैं, दिस आर वेरी स्मार्ट एंड एडवांस लेवल वर्ड्स, इन माई ओपिनियन वन शुड यूज वंस डे टू डे कॉन्वर्जेशन, आई रियली अप्रिशिएट इट सर, यू आर रियली डूइंग ग्रेट जॉब फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एज वेल एज इंग्लिश मीडियम टू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अस योर प्राइसलेस नॉलेज। थैंक यू सो मच मुकेश प्रधान फॉर दिस पर्टिकुलर कमेंट। एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस कंटेंट लिमिटेड टू मी, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस कंटेंट विद यू ऑल, दैट्स वाई आई एम ऑर्गेनाइज दिस चैनल मैडी इंग्लिश एंड आई एम इंस्टॉलिंग ऑल दिस कंटेंट एंड शेयरिंग विद यू ऑल। थैंक यू फॉर दिस कमेंट एंड थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ मैडी इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट करके आता है, वो आता है यहाँ पर नीतू गुप्ता की तरफ से, ये लिखते हैं, थैंक्स अ लॉट, गुड मॉर्निंग सर जी, माई बेस्ट टीचर। थैंक यू नीतू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ मैडी इंग्लिश एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों अगला कमेंट क्या आता है, वो आता है यहाँ पर प्रवीण सेन की तरफ से, ये लिखते हैं, वर्ड्स कैन कांट एक्सप्रेस योर मैरिट्स। थैंक यू प्रवीण फॉर योर कमेंट, वर्ड्स कैन एक्सप्रेस योर मैरिट्स। इसी तरह से मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, आपकी कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट क्या आता है, वो आता है यहाँ पर कुलदीप सिंह की तरफ से, ये लिखते हैं, वो डॉक्टर होगा, वो डॉक्टर बनेगा का इंग्लिश क्या होगा। सबसे पहला सेंटेंस है वो डॉक्टर होगा, इसका इंग्लिश बनेगा ही मे बी ए डॉक्टर। अगर आप नहीं जानते कि वो डॉक्टर होगा, अपने फ्रेंड से बात करें कि यार वो डॉक्टर होगा, ही मे बी ए डॉक्टर, वो तुम्हारा दोस्त होगा, ही मे बी योर फ्रेंड, तब आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है वो डॉक्टर बनेगा, तब आप कह सकते हैं ही विल बिकम अ डॉक्टर, इस तरह से आप इसे कह सकते हैं। आई होप आई आंसर्ड योर कमेंट, थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट क्या आता है, वो आता है यहाँ पर राकेश कुमार की तरफ से, ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग राकेश, प्लीज अपलोड अ वीडियो ऑन गेट प्लस एडजेक्टिव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कन्फ्यूज मी अ लॉट, होप यू विल डू द सेम एज सून एज पॉसिबल। बिल्कुल राकेश, मैं यहाँ पर वीडियोस पर जरूर बनाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी हिंट दे दूँ किस सेंस में यूज किया जाता है। तो गेट प्लस एडजेक्टिव को हम तब यूज करते हैं जब हम बात करते हैं स्टेट चेंज की। जैसे आपके ग्रैंड फादर होंगे और वो बूढ़े हो रहे होंगे, तब आप कहेंगे माई ग्रैंड फादर इज गेटिंग ओल्ड, मैं बेचैन हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेस्टलेस, मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ में आप गेट को लगा दें, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं गेट प्लस एडजेक्टिव का। ओल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव था, उसके साथ में लगा दिया गेट, स्टेट हो रही है चेंज, वो बूढ़े हो रहे हैं, उस सेंस में हम यूज करते हैं गेट प्लस एडजेक्टिव का। मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपको एक हिंट के तौर पर मैंने इसे बता दिया है, थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट करके आता है, वो आता है एक बार फिर से नीतू गुप्ता की तरफ से, ये लिखती है, सर प्लीज डेवलप अ वीडियो टू शो स्पीक फैमिली रिलेशन, लाइक उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, आई होप प्लीज।
बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है या वो तुम्हारा क्या लगता है, इसे इंग्लिश बनाना बहुत सिंपल है। कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं उसका इंग्लिश बताने वाला हूं। उसका इंग्लिश बनेगा हु इज ही इन योर रिलेशनशिप, वो तुम्हारा क्या लगता है, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, हु आर दे इन योर रिलेशनशिप, इस तरह से आप इसे कह सकते हैं इंग्लिश में। आई होप आई आंसर्ड योर कमेंट, थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय डे इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट निकल रहा है वो यहाँ पर स्ट्राइकी वॉरियर की तरफ से, ये लिखते हैं सर प्लीज एंकरिंग पर एक वीडियो बना दीजिए, बहुत व्यूज आएगा सर, लाइक्स एज वेल। ओके स्टार्की, आई विल ट्राई फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, एंकरिंग पर एक वीडियो बिल्कुल मैं बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए दो चार और लोग, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि एंकरिंग में और क्या क्या चीजें होती हैं, कहां आपको खुद से कुछ चीज करनी पड़ेगी, कहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट को यूज करना पड़ेगा, कहां आपको की नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ये मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मुझे इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा, मुझे दो चार लोगों को ट्रेन करना होगा, उसके बाद ही मैं इस पर अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट लिख रहा है वो है यहाँ पर काशी विश्वकर्मा की तरफ से, और ये लिखते हैं सर आई एम अ डॉक्टर, रियली आई लाइक द वे यू स्पीक इंग्लिश एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश थ्रू योर वीडियोस, आई वांट आस्क सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ओवरहेल्म एंड मेंशन माय कमेंट ऑन योर नेक्स्ट वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग योर कमेंट इन दिस वीडियो। एंड ओवरहेल्म का यूज बड़ा ही सिंपल सा है, जब भी आप बात करें कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूंगा, मान लीजिए आप कहीं गए, कोई स्पीच सुनी आपने और आप कह रहे हैं कि यार स्पीच बड़ी मजेदार थी, हिला के रख दिया इस स्पीच ने, मतलब बहुत ही जानदार स्पीच थी, तो आप कहेंगे इट वॉज अ ओवर हार्म्ड स्पीच, या फिर आपने कोई स्टोरी सुनी बहुत ही अच्छी थी, थोड़ी सी दुख भरी थी लेकिन आपको कोई लेसन मिला, तो आप कहेंगे इट वॉज अ ओवर हार्म्ड स्टोरी। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ओवर हार्म्ड का, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर बींग द पार्ट ऑफ माई डे इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट निकल रहा है वो यहाँ पर आया है काश अधिकारी जी की तरफ से एक बार फिर से, जो लिखते हैं सर प्लीज इस पर एक वीडियो बनाइए ना, यहाँ पर आपने 14 स्ट्रक्चर्स का यूज किया है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ड्यू टू द फैक्ट दैट बहुत सारे हैं, यहाँ पर तीन तीन करके इस पर वीडियो जरूर बनाने की मैं ट्राई करूंगा, यहाँ पर एक वीडियो के अंदर तीन से चार यूजर्स में यहाँ पर कवर करूंगा, लेकिन मुझे देखना होगा कि यूजर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उनका क्या मतलब है, सबको मैं अभी एकदम से आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा, मुझे देखना होगा, उसके बारे में आपको बिल्कुल इस पर वीडियो बनाकर दूंगा। थैंक्स फॉर बींग द पार्ट ऑफ माई इंग्लिश अगेन। दोस्तों अगला कमेंट लिख रहा है वो यहाँ पर आया है मोहम्मद रेहान की तरफ से, और ये लिखते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो फिर इस तरह बनेगा, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ आई, अच्छा इवन इफ का वीडियो है, यहाँ पर उन्होंने डाउट पूछा है, इवन इफ आई डू नॉट मीट देम आई कैन नॉट क्विट द लव फ्रॉम माई हर्ट, बिल्कुल आपने सही बनाया, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है, इवन इफ आई डू नॉट मीट देम आई कैन नॉट क्विट द लव फ्रॉम माई हर्ट, बिकॉज जो पहला सेंटेंस है वो आपको प्रेजेंट में बनाना है, और दूसरा सेंटेंस वो किसी भी सेंस में बन सकता है, जहां भी वो सेंस हिंदी में निकलता है आप उसे उसी तरह से बना सकते हैं, सकता है वाला सेंस निकल रहा सेकंड सेंटेंस में, तो आप कैन का यूज वहां पर बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बींग द पार्ट ऑफ माई इंग्लिश। तो अगला कमेंट करके आता है वो आता है यहाँ पर टैम एम की तरफ से, और ये लिखते हैं योर वीडियोस आर अप टू द पॉइंट विदाउट एनी अनॉइंग यूज़लेस बैकग्राउंड म्यूजिक, वन कैन लिसन पीसफुली इवन बिफोर स्लीप, एक्सलेंट एक्सलेंट जॉब, आई एम हाउस वाइफ, मी एंड माई लिटिल डॉटर एंजॉय योर वीडियोस वेरी मच, दिस इज एग्जैक्टली वी वर सर्चिंग फॉर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू टैम एम फॉर दिस पर्टिकुलर कमेंट, एक्चुअली यू ऑल एक्चुअली इंस्पायर्ड मी फॉर दिस कंटेंट एंड आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर दिस कंटेंट बिकॉज ऑफ यू ऑल, बिकॉज यू इंस्पायर्ड मी अ लॉट, यू गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर मेकिंग सच वीडियोस, थैंक्स फॉर बींग द पार्ट ऑफ माई इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट निकल कर आता है वो एक बार फिर से आता है विकास अधिकारी जी की तरफ से, ये लिखते हैं योर बर्थ इन आवर कंट्री इज बून फॉर अस, विकास जी आप सभी लोग मुझे इंस्पायर करते हैं इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं आप ही सभी से इंस्पायर होता हूँ, आप ही कमेंट्स मुझे यहाँ पर इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए यहाँ पर प्रेरित करती है, ये सब आप ही ने मुझे दिया है, आप ही कमेंट करते हैं, आप ही बताते हैं कि इस पर टॉपिक बनाइए, मैं एक जरिया हूँ यहाँ तक आपको पहुंचाने का। थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट आया है वो आया यहाँ पर पिंकी सिसोदिया की तरफ से, ये लिखती है मेक सेंटेंसेस बी विद शुड नाइस, पिंकी से जस्ट शुड बी कहिए, यहाँ पर आप कह रही हैं मेक सेंटेंसेस बी विद शुड, बी विद शुड नहीं, मेक सेंटेंसेस ऑन शुड बी, आप इसे ऐसा कहिए, मैं एक तरह से कंफ्यूज हो गया था इसे पढ़ने के बाद, मेक सेंटेंसेस ऑन शुड बी, बिल्कुल आप मेरा यहाँ पर वीडियो देखिए मोडल्स वाला, वहां पर मैंने इस चीज को समझाया है कि शुड बी का यूज किस तरह से किया जाता है, अगर वहां पर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर बींग द पार्ट ऑफ माई इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट निकल कर आता है वो यहाँ पर आता है कंवरदीप सिंह की तरफ से, ये लिखते हैं इट माइट हैव रेंड यस्टरडे मीनिंग इन हिंदी प्लीज लेट मी नो, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल इसका हिंदी मीनिंग है, आप कहेंगे मुझे लगता है कल बारिश हुई होगी, मुझे लगता है कल बारिश हुई होगी, मतलब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कल हुई होगी, ऐसा हुआ होगा, बारिश हुई होगी, इट माइट हैव रेंड यस्टरडे, कल बारिश हुई होगी, तो उस सेंस में आप इसे कह सकते हैं माइट हैव के यूज से,
थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई इंग्लिश। दोस्तों अगला कमेंट कर रहा था वो यहाँ पर आता है कुमार हरीश राजपूत की तरफ से, और ये लिखते हैं कैन यू कैन अ कैन एज अ कैन अ कैन अ कैन ट्रांसलेट इट इन टू हिंदी प्लीज सर। एक्चुअली मेरा बहुत ही अच्छा टंग ट्विस्टर है, मैंने इस पर बहुत कमांड की है, मैं इसे 10-10 बार बोल लेता हूँ। कैन यू कैन अ कैन एज अ कैन अ कैन अ कैन, कैन यू कैन अ कैन एज अ कैन अ कैन अ कैन, कैन यू कैन अ कैन एज अ कैन अ कैन अ कैन, ऐसे बहुत बार इसे बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस की है इस पर, लेकिन यहाँ पर इसका कोई हिंदी मीनिंग मैंने अभी तक सर्च नहीं किया है और ना ही होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से टंग ट्विस्टर है और टंग ट्विस्टर का हिंदी मीनिंग निकालना बहुत ही ज़्यादा टफ है। मुझे नहीं लगता इसका कोई हिंदी मीनिंग होगा। अगर आपको लगता है कि इसका कोई हिंदी मीनिंग है तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि इसका कोई हिंदी मीनिंग होता है। आप इसे ऐसे ही यहाँ पर फ्लो में कर सकते हैं अपने टंग को और ज़्यादा ट्विस्ट करने के लिए। कैन यू कैन अ कैन एज अ कैन अ कैन अ कैन, कैन यू कैन अ कैन एज अ कैन अ कैन अ कैन। थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय इंग्लिश। तो अगला कमेंट निकल कर आता है वो यहाँ पर आता है विकास कुमार की तरफ से, और ये लिखते हैं ब्रो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हैव एज अ कॉजेटिव वर्ब एंड डिफरेंस बिटवीन हैव एंड गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब। गेट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि गेट को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, तो आप मेरा गेट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने बताया कि किस तरह से गेट का यूज हम कर सकते हैं। हैव प्लस कॉजेटिव मैं आपको बिल्कुल इस पर वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर बींग द पार्ट ऑफ माई इंग्लिश। दोस्तों लास्ट कमेंट आज का है वो मैं पढ़ने वाला हूँ, वो है यश वर्मा की तरफ से, और ये लिखते हैं आई एम योर फ्रेंड aren't I, ही इज लेजी isn't ही, यू आर नॉट गुड आर यू, दे आर ऑनेस्ट aren't they, ही सेल्स गुड्स doesn't ही, यू राइट अ लेटर डोंट यू। आपके सेंटेंसेस में आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, घबराइए मत, सेंटेंसेस बिल्कुल सही है, गड़बड़ इतनी सी कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, बस इतनी सी गड़बड़ है। आपने सही ट्राई किया है यहाँ पर सारे क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस को बिल्कुल सही आपने बनाया है, बस क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल लगा दीजिएगा। बिल्कुल सही आपने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं यश, थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय इंग्लिश। सो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसी बहुत सारी अभी कमेंट्स आना बाकी है, प्लीज कमेंट करते रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा आपके डाउट्स। में इसी तरह से हर संडे आपके डाउट्स को क्लियर करता रहूंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि कमेंट आप जब करते हैं तो प्लीज अपने वर्डिंग्स और स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, ताकि मैं उस कमेंट को समझ पाऊं और आपको आंसर दे पाऊं इस पर्टिकुलर शो में आपके कमेंट्स का। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी कमेंट करें अपनी वर्डिंग्स पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ताकि आपकी कमेंट भी यहाँ पर मेंशन हो पाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे वोकैबुलरी की, नहीं जिसमें बात करेंगे एरर करेक्शन की। इस बार हम एरर करेक्शन को लेंगे, फिर बात करेंगे आपके कमेंट्स की हर संडे। तब तक के लिए गुड बाय।